बड़े दिनों से कांकेर मेडिकल कॉलेज के वैकेंसीज़ की अपडेट के बारे में क्वेरी आ रही थी। कमेंट बॉक्स पर काफ़ी लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा था, तो आज मैं ये वीडियो उसी की अपडेट को लेकर आया हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कांकेर मेडिकल कॉलेज में जो पिछले दिनों वैकेंसीज आई थी अलग अलग पोस्ट की, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 था, रिकार्ड क्लर्क था, कोडिंग क्लर्क था, स्टेनोटाइपिस्ट था, रिसेप्शनिस्ट था, डाटा एंट्री ऑपरेटर था। तो ऐसे कुछ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई थी और उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट की गई थी। अब उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उसमें पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की गई है और इस सूची पर दावा आपत्ति मंगाई गई है। पूरा विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसमें बात ये करी जा रही है कि किस तरह से आपको दावा आपत्ति मंगानी है, मतलब सबमिट करनी है, और किस तरह से आप अपनी सूची में नाम को देख पाएंगे। ये पूरी सूची काफ़ी लंबी है, लगभग 35 पेजेस की लिस्ट है ये, और इस लिस्ट को इस YouTube में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है कांकेर डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर। अगर आप वहाँ डाउनलोड कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं डाउनलोड कर पाएंगे या कोई टेक्निकल दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, ताकि उसे मैं अपने वेबसाइट पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह अपलोड कर सकूँ। अगर आप वहाँ देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके बातें समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति में ऊपर हेडिंग दिया हुआ है कि सहायक ग्रेड 3 रिकार्ड क्लर्क, कोडिंग क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर सीधी भर्ती हेतु दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दावा आपत्ति आमंत्रित किए जाने की सूचना। ये आपको नोटिफाई किया है। आगे वो लिखता है कि 3/6/2022 के एक पत्र का रेफरेंस देते हुए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद JSSB ने एक मेरिट लिस्ट सौंप दी और दस्तावेजों का उसके आधार पर सत्यापन किया गया। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद जो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, मतलब जो पात्र और अपात्र दोनों तरह के लोगों की एक सूची बनाई गई, उस सूची को त्रुटि सुधार तथा अनुभव के अंकों के लिए दावा आपत्ति प्रस्तुत किए जाने हेतु आपके सामने वेबसाइट पर और वहां के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है। आप 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच, ये डेडलाइन है, प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नंदनमारा उत्तर बस्तर कांकेर में स्वयं उपस्थित होकर के दावा आपत्ति हेतु निर्धारित प्रोफार्मा जो कि वेबसाइट में अपलोड है। आगे बता दूं मैं आपको, इसमें जब आप दावा आपत्ति करेंगे तो उसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा आगे। उस फॉर्मेट में ही आपको दावा आपत्ति करना है और उसके बाद वो दावा आपत्ति आपकी 22 अगस्त के पहले पहले वहाँ पहुँच जानी चाहिए। कहाँ पहुँचनी चाहिए? मेडिकल कॉलेज कांकेर नंदनमारा में। इसको डाउनलोड कर लें आप प्रोफार्मा को और दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा आपत्ति जो है वो निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना ज़रूरी है। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा जिले के वेबसाइट पर है, जैसा कि मैंने बताया। इस प्रोफार्मा के अलावा अगर आप खुद से कोई प्रोफार्मा बना लेते हैं या कुछ करते हैं तो फिर वो दावा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरी चीज़, निर्धारित तिथि एवं समय के बाद अगर आप दावा आपत्ति करते हैं तो वो भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप सूची को समझ पाएंगे। पूरी सूची काफ़ी लंबी है, मैं आपको सूची को दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि आप समझ पाएं। इसके पहले कि मैं आपको सूची बताऊं, इस पत्र के साथ एक और संलग्न पत्र है जो उसी डेट पर जारी किया गया है। इस पत्र में ये बात आगे वो स्पष्ट करता है कि ये जो जितने सारे पोस्ट मैंने गिनाए, सहायक ग्रेड 3, रिकॉर्ड क्लर्क, कोडिंग क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी के दस्तावेजों का सत्यापन किए जाने के लिए समय सारणी तय की गई है।
अब उसके बाद जो अभ्यर्थी होंगे उनका एक कौशल परीक्षा होगा, स्किल टेस्ट जिसे कहते हैं। तो वो स्किल टेस्ट होने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन या नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ये स्किल टेस्ट लिया जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड, कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड विशेष JSSB, JSSB इसका काम करेगा और उसके बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल पाएगा। सूची कुछ इस तरह से है जो आपके लिए जारी की गई है, जिसे मैं जिक्र कर रहा था। ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का के रिसेप्शनिस्ट क्लर्क का है, पात्र अभ्यर्थियों का, अपात्र अभ्यर्थियों का। इसके आगे ये पूरी सूची आपको दिखाई गई है किस तरह से आपको पात्र अपात्र घोषित किया गया, सारे कारण स्पष्ट कर दिए गए हैं। इसमें काफ़ी लंबी सूची है, मैं जैसा मैंने बताया, तो ये एक कैटेगरी का है। इसी तरह से सारे कैटेगरी के लिस्ट बनाए गए हैं और ये आपने देख ही लिया। आगे दूसरी सूची मैं आपको दिखाऊं, ये स्टेनोटाइपिस्ट का है, ये भी इसी तरह से आगे बढ़ता है। इसमें भी लोगों के नाम हैं जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और ये देखिए ये सूची इस तरह से है। इसमें भी कारण स्पष्ट कर दिया गया क्यों आपको अपात्र घोषित किया गया है, सारी चीज़ें इसमें आपको सूची में मिल जाएंगी। ये रिकॉर्ड क्लर्क का है, रिकॉर्ड क्लर्क की कैटेगरी में जितने एप्लीकेशंस रहे होंगे उनका पूरा का पूरा एक लिस्टिंग है। मैं आपको केवल अभी यूट्यूब में, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा रोक रोक के दिखा सकूँ, तो मैंने आपको एक झांकी दिखाई है इसकी। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, अगर वेबसाइट पर जाएंगे अगर, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा। लेकिन वो मैं तभी करूँगा जब आपकी डिमांड आएगी, आपकी ओर से ऐसा कोई आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अपलोडेड है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं। ये इस तरह से सूची है, इसी तरह से सारे कैटेगरी की लिस्ट अपलोडेड है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये सूची डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं विवरण पूरा लिखा हुआ है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ये सूची आगे आपको दिखा रहा हूं मैं, वो असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, इसमें जितने लोगों ने आवेदन किया रहा होगा उनके बारे में विवरण इसमें दिया गया है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कोडिंग क्लर्क की एक लिस्ट है, वो भी इसमें अटैच्ड है, वो भी इसी के साथ है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये लास्ट पेज है उस पूरी लिस्ट की, 39 पेजेस है पूरे इस नोटिफिकेशन के साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो, और ये लास्ट जो है 63 नंबर है। तो ये पूरी की पूरी सूची है अलग अलग कैटेगरीज की, जैसा कि मैंने बताया। अब इसके बाद मैं आपको वो प्रोफार्मा दिखा दूं जिसके माध्यम से, जिसको भरकर आप दावा आपत्ति करेंगे। आइए समझ लेते हैं उस फॉर्म में क्या चीजें आपको सबमिट करनी है। ये उस प्रोफार्मा का आप देख सकते हैं प्रारूप, जिसमें आपको सबमिट करना है अपना दावा आपत्ति। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है दावा आपत्ति प्रस्तुत करने तो निर्धारित प्रोफार्मा, एड्रेस किया गया अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर को, और आपको जहाँ जहाँ पर जो जो आपत्ति है उसका सरल क्रमांक लिखना है, पूरा नाम अपना लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में, पिता का नाम, जाति प्रवर्ग, फिर दावा आप क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं उसका एक छोटा सा कारण देना है, और उसके संबंध में जो भी आप संलग्न दस्तावेज कर रहे हैं, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट उसके सपोर्ट में आप अटैच कर रहे हैं, उनका पूरा विवरण आपको लिखते जाना है। और ये दावा आपत्ति 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच आपको सबमिट कर देना है। इस समय के बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो फिर वो अमान्य हो जाएगा। नीचे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, दिनांक डालना है। तो इतनी चीज़ें हैं जो इस नोटिफिकेशन में है, काफ़ी बातें बता दी गई हैं, काफ़ी कुछ इसमें इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है आपको कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से आपको सबमिट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम की काफ़ी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी। जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद अगर आपको किसी तरह की कोई दावा आपत्ति करनी हो तो 16 से 22 के बीच आप ये काम कर लें, निर्धारित प्रोफार्मा में करें, प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जरूर अटैच करें, तभी आपके दावा आपत्ति का कोई काम हो पाएगा, अगर कोई है तो। और नहीं है तो फिर इंतज़ार करें स्किल टेस्ट का, किस तरह से फाइनल लिस्ट आता है स्किल टेस्ट के बाद, और उसका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर उसको शेयर करूँगा। इंतज़ार करिएगा,
इस वीडियो में यहीं तक, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।